कोरोना संक्रमण की वजह से महीनों से लॉकडाउन झेल रहे गाजीपुर के लोगों के लिए अनलॉक 1 के रूप में नई राहतें मिली हैं। कल यानी 8 जून से गाजीपुर में कुछ नई और जरूरी चीजों को खोलने का फैसला हुआ है। गाजीपुर डीएम और एसपी की शहर में धर्म गुरुओं, व्यवसायियों व अन्य अधिकारियों के साथ बैठक हुई। इस बैठक के बाद कुछ नए फैसले सामने आए हैं। हालांकि ये नए आदेश कंटेनमेंट जोन के लिए प्रभावी नहीं है। इस वीडियो को अंत तक देखिए और जानिए कि कल से गाजीपुर में क्या क्या खुलेगा और कैसे खुलेगा। 8 जून से धार्मिक पूजा स्थल खोले जा रहे हैं। इसके लिए प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर रखना होगा, साथ ही इंफ्रारेड थर्मामीटर की भी व्यवस्था करनी होगी। सभी श्रद्धालुओं को फेस कवर या मास्क लगाना होगा। लाइन में डिस्टेंसिंग बरत खड़े रहने के लिए निशान बनाने होंगे। प्रतिरूप, मूर्तियों, पवित्र ग्रंथों को छूने की इजाजत नहीं होगी। धार्मिक स्थल पर प्रसाद वितरण या पवित्र जल छिड़काव इत्यादि नहीं किया जाएगा। सभाएं मंडली नहीं होंगी। संक्रमण फैलने के खतरे को देखते हुए रिकॉर्डेड भक्ति संगीत बजाए जा सकते हैं। समूह में इकट्ठा होकर गाने की अनुमति नहीं होगी। गाजीपुर में कंटेनमेंट जोन को छोड़कर बाकी जगहों पर होटल, रेस्टोरेंट को भी 8 जून यानी कल से खोला जाएगा, लेकिन सब कुछ पहले जैसा नहीं होगा। आइए आपको बताते हैं कि होटल, रेस्टोरेंट के लिए क्या ध्यान रखना होगा। सबसे बड़ा बदलाव यह है कि होटल और रेस्टोरेंट में उनकी कुल सीटिंग क्षमता के 50% से अधिक लोग नहीं बैठाए जाएंगे। मान लीजिए किसी रेस्टोरेंट में 100 लोगों के एक साथ खाने की व्यवस्था है, तो वो अब अधिकतम 50 लोगों को ही बैठाकर खिलाएंगे। होटलों और रेस्टोरेंट में ऐसे कार्यक्रम की अनुमति अभी नहीं दी गई है जिसमें भीड़ इकट्ठा होने की संभावना है। होम डिलीवरी देने वाले रेस्टोरेंट के लिए भी बदलाव हैं। उनको डिलीवरी देने वाले स्टाफ को डिलीवरी से पहले थर्मल स्कैनिंग करके भेजना होगा। यहाँ भी धार्मिक स्थलों की तरह प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर और इंफ्रारेड थर्मामीटर की व्यवस्था करनी होगी। इसी तरह होटलों में भी सैनिटेशन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। आने वाले यात्रियों का अब केवल पहचान पत्र ही नहीं लिया जाएगा। नई व्यवस्था के तहत अब अतिथियों की विस्तृत जानकारी जैसे ट्रैवल हिस्ट्री, मेडिकल कंडीशन इत्यादि की भी जानकारी लेनी होगी। अतिथियों से एक स्वघोषणा पत्र भी लिया जाएगा। होटल के कमरों में अतिथियों के सामान इत्यादि भेजने से पहले उन्हें कीटाणु रहित करना आवश्यक होगा। आप मोटा मोटी ये समझिए कि हर जगह सैनिटाइजर, इंफ्रारेड थर्मामीटर को अनिवार्य कर दिया गया है। बिना मास्क कहीं भी एंट्री नहीं मिलेगी। इस बैठक में जिलाधिकारी ओम प्रकाश आर्य, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ओपी सिंह, एसडीएम प्रभाष कुमार, सीओ ओजस्वी चावला, पूर्व चेयरमैन विनोद अग्रवाल, सभासद अजय राय दारा, सभासद सोमेश राय, रास विहारी राय, मुस्लिम धर्मगुरु, व्यापारी नेता अबू फकर खां, सरदार त्रिलोचन सिंह, बच्चा तिवारी, विजय शंकर वर्मा, रिंकू अग्रवाल आदि व्यापारी गण मौजूद रहे। गाजीपुर की ऐसी ही खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।